feeling behind my eyes. You stood out cause you were in red. एपिसोड की शुरुआत में सान को दिखाया जाता है जो अपने बैग से जैसे ही एप्पल निकालता है उसके हार्ट में अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। इस कारण एप्पल जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ पे किम आ जाता है जो उसे एप्पल उठाकर देता है, और जैसे ही वो उसके पास आने लगता है तो सान उसे पास आने से मना कर देता है, तो किम वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी सान कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, वैसे रात के लिए शुक्रिया और मुझे माफ़ भी कर देना उसके लिए। तो किम कहता है कि कोई बात नहीं, बस तुम रेस्ट करो। फिर वो वहीं पे बैठ जाता है। फिर इधर पायो को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसे अपने फ्रेंड से पता चलता है कि रेन उसका इतनी देर से जो है ख्याल रख रहा था। तभी वहाँ पे रेन आ जाता है जिसकी वजह से उसका दोस्त होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर रेन उसे एक बैग देते हुए कहता है कि लो कपड़े चेंज कर लो, इतना सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही ये तुम्हारे लॉकर से ही लेकर आया हूँ, क्योंकि लॉकर का पासवर्ड मेरा बर्थडे जो था इसलिए आसानी से खुल गया। फिर पायो कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद जब रेन उसे देखता है तो पेन के कारण वो ठीक ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पा रहा होता है, तो फिर उसकी मदद करने के लिए रेन वहाँ पे आ जाता है और उसे कपड़े पहनाने लगता है। तो पायो उसे ऐसा करने के लिए मना करता है लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे बैबू आ जाती है जो पायो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी रेन कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो पायो से कहता है कि चलो अब हम घर चलते हैं। फिर वो घर जाने लगते हैं। तभी बैबू पायो से फिर से कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। तो पायो कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर किम एक लड़के के साथ जिसका नाम पाई होता है उसके साथ कैफे आया होता है जो उसके लिए खाना ऑर्डर करने के लिए वहाँ से जाता है। तभी वहाँ पे सान अपने दोस्त के साथ आता है जिसका नाम शुन होता है। तो जैसे ही किम उसे देखता है तो वो मन ही मन कहता है कि तुम घर जाने के बजाय यहाँ पे मजे कर रहे हो। इधर सान अपने दोस्त से बातों ही बातों में कहता है कि तुम जाकर खाना ऑर्डर करो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। फिर वो वॉशरूम के लिए निकल जाता है। तो किम उसे वहाँ से जाता देख जो है उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर इधर सान जो है वॉशरूम में अपना हाथ धोते हुए नजर आता है लेकिन वो गलती से जो है पानी किम के मुँह पे ही छिड़क देता है। फिर इस कारण जो है वो फटाफट जो है टिश्यू पेपर लेकर जो है उसका मुँह पोंछने लग जाता है। तो किम इसी बीच कहता है कि नहीं नहीं रहन दो मैं कर लूँगा। तो सान जो है वो उसका मुंह पोछते पोछते जो है उसके चेहरे में ही खो जाता है। तभी किम कहता है कि मैंने कहा ना मैं कर लूँगा। तो सान कहता है कि अच्छा ठीक है फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। तो किम उसे कहता है कि रुको जरा, वैसे तुम्हारी आज जो है दोपहर को तबीयत ख़राब थी ना। तो सान कहता है कि हाँ वो तो बस मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ देर के लिए यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से सीधा मैं घर ही जाने वाला था। तो किम कहता है कि अच्छा ये तुमसे किसने पूछा। तो सान कहता है कि वो वैसे भी मैं तुमसे तो अच्छा ही हूँ जो मुझसे यहाँ पे बात कर रहा है। तो किम कहता है कि क्यों भला, क्या यहाँ पे बात करना कोई गुनाह है, वैसे भी ये पब्लिक प्लेस है। फिर वो उसके पास आने लगता है और उसे जो है टिश्यू पेपर पकड़ा देता है और कहता है ये लो तुम्हारी अमानत। फिर वो उसे जो है टिश्यू पेपर देकर वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के पश्चात जो है सान कहता है कि हैं ये क्या था भला, हैं इसे अपने आप को समझता क्या है। इधर पाई का दोस्त जिसका नाम पैच होता है वो वहाँ पे उससे मिलता है। तो पाई उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं यहाँ पे किसी के साथ आया हूँ। फिर वो उनके साथ रूडली बिहेव करने लगता है। तभी किम वहाँ पे आ जाता है और अपना बैग लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर जो है गुस्से में पाई भी वहाँ से चला जाता है। फिर पैच भी उसका पीछा करते हुए बाहर निकलता है और उससे कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो पाई कहता है कि इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, वैसे भी मैं सिर्फ तुमसे जो है दूर जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रेन और पायो को दिखाया जाता है जहाँ पायो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। तो रेन उसकी जो है बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसे मेडिसिन देता है और फिर वो देखता है कि तकिया छोटा होने के कारण उसे सोने में दिक्कत हो सकती है। तो फिर वो अपनी जैकेट निकालता है, उसे फोल्ड करके तकिए के ऊपर रख देता है और फिर वो जाते हुए कहता है कि वैसे तुम कुछ दिनों के लिए अपने पार्ट टाइम जॉब से छुट्टी ले लो और घर पर आराम से रेस्ट करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर भी वहाँ पे जो है किम आ जाता है जो उसके चेहरे पे 40 वोल्ट की स्माइल देकर कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, और हाँ वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई है तुम्हारे कैंप से। तो वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, वो तो बस मैं अपना जो है कुछ सामान लेने के लिए आया था। तो फिर किम कहता है कि अच्छा फिर सामान कहाँ है। तो रेन कहता है कि छोड़ो भी, तुम इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछने लग गए हो आजकल। फिर वो वहाँ से चला जाता है जिसे देखकर किम कहता है कि आखिर इसे क्या हो गया है। इधर सान को दिखाया जाता है, तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उससे कहता है कि आज मैं किसी से अपने दिल की बात करने वाला हूँ। तो ये सुनकर सान कहता है कि क्या बात है, तुम कितने बहादुर हो, काश मैं भी तुम्हारी तरह बहादुर होता। तो उसका दोस्त कहता है कि इसमें बहादुरी की क्या बात है, जैसा तुम्हारा दिल कहता है बस तुम वैसा ही करो, वरना बाद में जाकर तुम्हें ही पछताना पड़ेगा।
तो सान कहता है कि अगर मैंने कह दिया और प्लान के मुताबिक वो ना हुआ तो क्या होगा। तो कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम तुमने अपनी फीलिंग तो एक्सेप्ट की ना, और हाँ अपने दिल को धोखा देने में कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो सान कहता है ठीक है, जैसा तुम्हारा मन है वैसा करो। फिर वो फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद वो बालकनी में आता है जहाँ वो टेलीस्कोप से जो है चांद तारों को देख रहा होता है और मन ही मन कुछ सोच रहा होता है। इधर फिर किम के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो आपस में किसी विला को लेकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ उसकी मॉम कहती है कि ये विला काफ़ी शांत जगह पर है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो ऐसे में खरीद करके क्या फ़ायदा। तो उसके डैड कहते हैं कि ये शांत जगह पर है इसलिए तो मुझे पसंद है, हम यहाँ पे आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो काट सकते हैं, अगर ये आज काम नहीं आएगा तो हो सकता है कि बाद में ही काम आ जाए। फिर थोड़ी देर बाद रेन अपनी स्पोर्ट्स टीम के पास आ जाता है जहाँ वो शुन को देखकर कहता है कि आखिर तुम इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो। वो कहता है कि कुछ नहीं, वो तो बस मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। ऐसे तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो रेन कहता है कि नहीं कुछ नहीं, वो तो बस मैं कुछ सोच रहा था। वैसे क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तो फिर वो जो भी कुछ कहने वाला था उससे नहीं कह पाता है और कहता है कि चलो छोड़ो भी, मैं कभी बाद में बता दूंगा तुम्हें। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों जो है सो जाते हैं। तभी सुन जो है सपने में रेन को किस करते हुए नज़र आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो रेन उससे कहता है कि क्या तुम्हें गर्मी लग रही है, इसी काम नहीं कर रहा है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा। सान को दिखाया जाता है जो किम के बारे में सोचकर मन ही मन मुस्करा रहा होता है। तो फिर वो अपने आप से कहता है कि तुझे क्या हो गया है सान, होश में आ, उसके बारे में सोचना बंद कर। फिर कंबल ओढ़ के जो है वह बेड पर सो जाता है। इधर थोड़ी देर बाद जो है किम के डैड को दिखाया जाता है जो किम से बात करने के लिए आए होते हैं, लेकिन वो स्विमिंग पूल में छिपा होता है। तो उसे देखकर वो कहते हैं कि आखिर तुम कब सुधरोगे, मैं तुम्हें बचपन से लेकर आज तक समझ नहीं पाया हूँ और ना ही कभी समझ पाऊँगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी ड्यूटी को निभाना सीख जाओ, जैसे कि तुम्हारा भाई सीख गया है। फिर वो खरी खोटी उसे सुनाने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो जाते हैं किम जो है वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है और कहता है कि ऑर्डर को फॉलो करना कब से ड्यूटी हो गई भला। फिर वो वापस स्विमिंग पूल में चला जाता है जहाँ वो अपने बचपन के कुछ पलों को याद करता है, जब वो अपने मॉम के साथ अपनी दादी के घर गया था। तो भी थोड़ी देर बाद जब वो अपने डॉगी के साथ खेल रहा होता है तो उसे जो है झाड़ी के नीचे कोई नज़र आता है। तो तभी जो है वो अपने हाथों से बंदूक बनाकर उसे शूट कर देता है, जहाँ अचानक उसे जो है किसी बच्चे की आवाज़ आती है कि हे भगवान मुझे गोली लग गई। इन पलों को याद कर किम जो है हंसने लग जाता है। फिर एक और बार जब वो अपनी दादी माँ के लिए खाना लेकर जा रहा होता है तभी उसे जो है उसी बच्चे की द्वारा आवाज़ आती है। ये सुनकर वो सीधा उसी के पास चला जाता है। फिर वो वहाँ पे एक छोटे से बच्चे को देखता है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइज यू लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड आने में थोड़ा टाइम लग सकता है इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।